उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरने की रणनीति तेज कर दी है, जिसके तहत कल कांग्रेस पार्टी मुख्यालय देहरादून में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 साल के कार्यकाल पूरे होने पर चार्जशीट तैयार करने पर मंथन करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि परिवर्तन यात्रा की समाप्ति पर राज्य सरकार के खिलाफ चार्जशीट सौंपी जाएगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव की भी तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की इस चार्ज शीट पर भी पलटवार किया है। कितनी तैयारियां हो गई हैं और कब तक क्या क्या मुद्दे आप देखिए, हमने परिवर्तन यात्रा प्रदेश में प्रारंभ की है और वो परिवर्तन यात्रा की समाप्ति पर हम निश्चित रूप से इस सरकार को चार्जशीट देने का काम करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, कल तो जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्षों की बैठक है, उन साथियों से चर्चा होगी, लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। हम जो है शीघ्र जो है हर विधानसभा में एक ऑब्जर्वर बनाने जा रहे हैं। हम प्रत्येक जनपद में ऑब्जर्वरों की नियुक्ति करेंगे ताकि वहाँ पर कांग्रेस मजबूती के साथ काम कर सके और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो जो है इस प्रदेश के अंदर आने का काम करेंगे। चार्जशीट भी देंगे, इस सरकार को उखाड़